अब मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मनुस्मृति द्वितीय अध्याय का अगला मंत्र विषमा पढ़ाने जा रहा हूँ। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं सम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्व मानवा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना, अरे कि पृथिव्याम सर्व मानवा, पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणी, सभी मानव, सभी मनुष्य। एतद्देश प्रसूतस्य, एतद्देश ये देश कौन कौन से हैं? ब्रह्मावर्त देश एवं ब्रह्मर्षि देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों को स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र को सीखें। इस श्लोक में भारतवर्ष की महिमा के संदर्भ में बहुत प्रचलित श्लोक है, जिसका तात्पर्य है कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले विद्वानों को, ब्राह्मणों को, संपूर्ण पृथ्वी तल में निवासी जन अपने अपने चरित्र एवं आचार शिक्षा की को अनादि काल से ग्रहण करते रहे, आज भी समाज को सुसंगठित एवं सदाचार से संपन्न बनाने के लिए मनुस्मृति में के इस श्लोक की प्रासंगिकता अपरिहार्य है। विश्व ज्ञान कोश के रूप में प्रतिष्ठित वेद, अध्यात्म का चरमोत्कर्ष रूप उपनिषद, संपूर्ण विश्व को चकाचौंध कर देने वाला ज्योतिर्विज्ञान तथा आयुर्वेद इसी देश की धरती पर फलित एवं पलवित हुए। आज भी अनेक पाश्चात्य देशों के जिज्ञासु अपनी आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने के लिए भारत के मुखापेक्षी बनाए गए। यहाँ इस मंत्र, इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार का आचार व्यवहार, सदाचार ब्रह्मर्षि देश एवं ब्रह्मावर्त देश में हुआ है, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि ब्रह्मर्षि देश क्या है, ब्रह्मावर्त देश क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसमें जो बतलाया गया है, जो आचार विचार बतलाया गया है, उसी को करने के लिए कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं वे ब्रह्मर्षि देश एवं ब्रह्मावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से अपने अपने चरित्र को सीखें या अपने अपने चरित्र का निर्माण करें।